जातीय वैमनस्यता फैलाने और संघ की छवि धूमिल करने के आरोप में राजगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कराया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर के संबंध में फर्जी एवं भ्रामक पोस्ट डालने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के विरुद्ध IPC की धारा 153A, 469, 500, 505 के तहत मामला दर्ज करा लिया गया है। राजगढ़ निवासी अंशुल तिवारी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें दिग्विजय सिंह द्वारा श्री गोलवलकर के संबंध में सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, हिंदुओं में शत्रुता, घृणा एवं वैमनस्यता पैदा कर लोगों को उकसाने वाला बताया गया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि विभिन्न वर्गों में संघर्ष के उद्देश्य से जानबूझकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फोटोशॉप फर्जी फोटो को फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट किया है। शिकायतकर्ता अंशुल तिवारी का कहना है कि गुरुजी ने भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समरसता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके विरुद्ध मिथ्या बातें कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक परम पूज्य माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी गुरुजी के ऊपर जो उन्होंने कल अपनी पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पोस्ट से उनके फोटो को मॉर्फ कर रचना कर जिस तरीके से समाज विद्वेष का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया था, उसके लिए आज हम उनके खिलाफ यहाँ पर FIR करने आए थे। उनके खिलाफ हमने FIR करी। FIR में धारा 153A, धारा 469, धारा 500 और धारा 505 भारत दंड संहिता के अंतर्गत उनके खिलाफ FIR की गई है। भ्रामक और तथ्यहीन पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह के विरुद्ध इंदौर और उज्जैन में भी मामले पंजीबद्ध कराए गए हैं।